देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मामे बाबू प्रेजेंट तो ही है और परफेक्ट है और कंटिन्यूअस भी है, यानी इसमें बाबू क्या होगा, काम खत्म भी हो रहा होगा और काम चल भी रहा होगा, यानी सेंटेंस परफेक्ट में भी बनेगा और कंटिन्यूअस में बनेगा, अरे दोनों चीज बाबू यहाँ पे क्या होगा शो करेगा ये, यानी यहाँ पे तुम्हारा बाबू परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इसका क्या होगा जो इसके सेंटेंस बनेंगे ऐसे तुमको बनाने पड़ेंगे, उसके बाद वो दोनों में परफेक्ट है, यहाँ परफेक्ट भी है यहाँ कंटिन्यूअस भी है, यानी वी फोर भी लगेगा वी थ्री भी लगेगा, तुमको इससे क्या लग रहा है, हम ये बोले कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस से तुम क्या समझते हो, तुमको क्या लग रहा है इसमें, जैसे हम बोलेंगे वो पार्ट बोलते हैं जो बाबू बोलेंगे वो चार दिनों से पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, तो बाबू लिख दे यही वो चार दिनों से पढ़ा रहा है, तो तुमको इसमें क्या लग रहा है, वह चार दिनों से पढ़ा रहा है इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, जो है पढ़ा रहा है माने काम तो गोइंग है तो बाबू परफेक्ट कंटिन्यूस तो है इसमें कोई बड़का बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन चार दिनों से पढ़ा रहा है कि नहीं है, यानी बाबू तुमको बताए थे कि जो काम खत्म हो के फिर आगे आता है, यानी खुशी से जब बोलेंगे क्या मैं तुम्हें दो दिन से पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा, तो बाबू पिछला काम तो खत्म किया है कि नहीं किया है, बोलो पिछला एक दिन काम खत्म किया कि नहीं खत्म किया है, काम तो खत्म किए है ना, यानी काम खत्म किए तुमको बताए थे जो काम 100% डन हो जाता है वो किसमें बनते हैं परफेक्ट में बनते हैं, इसलिए बाबू इसमें क्या हो जाते हैं परफेक्ट हो जाते हैं, जैसे वो जैसे हम बोले बाबू ये भी बोलते हैं वह पढ़ाता रहा है, तो पढ़ाता रहा है माने में बाबू क्या हो गया कि एक काम को खत्म कर रहा है, लेकिन काम इसका पढ़ाना का जारी है, लेकिन बाबू ये क्या है पास्ट में मतलब जो काम अभी चल रहा है ना उससे पहले कुछ काम सबको समाप्त किया है, ऐसा लग रहा है अरे पास्ट में जो काम तुम्हारा डन हो जाएगा दिखा रहा है पास्ट को, अरे जो काम बोलेगे तो प्रेजेंट टाइम कुछ होता ही नहीं है, जो बोलोगे अभी तुरंत खत्म होगा मेरा पास्ट में चला जा रहा है, तो तुम बाबू देखो ये तुम स्पष्ट हो रहा है ना तो वो पढ़ाता रहा है, यानी वो पीछे कुछ चीज को कम्प्लीट खत्म किया है मतलब अभी जस्ट खत्म किया है और फिर आगे भी बाबू चीज को पढ़ा रहे हैं, है ना, वो पढ़ा रहा है तो पढ़ाता रहा है इसका मतलब वो क्या हो रहा है अभी तो आ रहा है अभी तो काम जारी है इसका, लेकिन वो जो पढ़ा रहा है ना तो पीछे भी काम खत्म करके ही आगे आ रहा है, तो जो पीछे काम हो रहा है उसको परफेक्ट कहेंगे, जो वो आगे जारी है उसको कंटिन्यूअस कहेंगे, उसे बोलते हैं वो आ रहा है, तो वो आ रहा है के मतलब क्या होता है कि वो भी काम फ्यूचर प्लान में है, बोलते हैं ना बोलते हैं वो खाता है या वो हम ये बोलते हैं वो खा चुका है, बाबू ये खा चुका है बाबू पास में है कि नहीं है, लेकिन चूंकि बात अभी कर रहे हैं इसलिए इसको परफेक्ट में बना लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन वो खा चुका है वो जा चुका है ये पास की बात है कि नहीं बताओ तुम, है कि नहीं है, तो इसलिए बाबू इसको हम दो तरीके दोनों तुमको बनते हैं परफेक्ट में, जैसे बाबू देखो इसलिए सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में बनेंगे, जैसे बाबू असल में ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो पहला बाबू क्या होता है सब्जेक्ट होता है परफेक्ट कैसे होता है बाबू क्या होता है हैव प्लस वी थ्री तो हैज आप तो बाबू लगाइए लिए हैं तो कंटिन्यूस आया कि नहीं आएगा बोलो कंटिन्यूस बाबू क्या लगता है वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड, फिर यहाँ बाद वो टाइम एक्सप्रेशन आता है 10 दिनों से 5 दिनों से आता है इसको एक्स्ट्रा चीज जोड़ना पड़ेगा, तो अभी आप लिखेंगे सिंस या फूड प्लस टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है आपको बोले सर जी वी थ्री वी फोर ये तो पहली बार देख रहे हैं, तो तुमको कुछ नहीं करना इसे देखो आप हम तुमको अभी बताए हैं कि देखो ये परफेक्ट भी है कंटिन्यूस भी है तो दोनों स्ट्रक्चर को फ्लो करेगा पहला बार, तो बाबू देखो हम इसमें कुछ करेंगे नहीं एक्स्ट्रा, बताओ क्या वी थ्री वी फोर एक साथ होता है, तो बता दे किसी सेंटेंस में दो बार आते हैं एक साथ मतलब आते हैं टू लाग अलग हो जाता है इसको बाबू कुछ और आकर अलग करना पड़ेगा, तो देखो बाबू इसी को बाबू क्या करते हैं हम लोग अलग करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थ्री को बाबू हम लोग लिख सकते हैं बीन, बीन बाबू वी थ्री नहीं है क्या, बोलो बाबू बीन लगाएंगे बोलो यहाँ पे,
तो वह बिन हो गया, प्लस वह क्या हो जाएगा बी फोर हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम एक्सप्रेशन, प्लस टाइम एक्सप्रेशन मिस्मया यानी बाबू देखो ये बिन तुम्हारा बी थ्री है, बी वाज वेयर बिन होता है, अरे बी ई जे एम आर बी वन हो गया, नहीं सॉरी एम आर तुम्हारा बी वन हो गया, वाज वेयर तुम्हारा बी टू हो जाता है, बिन तुम्हारा बी थ्री हो जाता है, नहीं मालूम है तो बाबू तुम्हारा यही चीज को यहाँ पर दिखाना है ना, तो बिन तुम्हारा क्या होता है बाबू बी थ्री होता है, तो हम तुम्हारे बाबू क्या बोले कभी हुआ तो लिखे थे ना वो चार दिनों से अब हिंदी में यह तो मत रखना ता रहा है ती रहे हैं ते रहे हैं लगा रहेगा तो कंटिन्यूअस टेंस समझना है, तो वो लगेगा ये काम वो पास्ट में खत्म हो गया है आ एक बार फिर चल ही रहा है, तो इस सेंटेंस में किसमें बनेंगे कंटिन्यूअस में बनेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो वो चार दिनों से पढ़ा रहा है तो कैसे बनाएंगे बताओ फटाक से बोलो, तो देखो पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट क्या है बाबू ही है तो ही लिखेंगे, ही क्या लेगा बाबू अब कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है तो फोर या सीन फोर तो फोर कहाँ लगाएंगे सीन्स कहाँ लगाएंगे इसका विज्ञान तुमको दिया जा रहा है कोटेशन नहीं लो, ये हो गया फोर या सीन्स कितने दिन से वो पढ़ा रहा है चार दिनों से तो बाबू फोर फोर डेज हो जाएगा पूरा लिखना है ये नहीं कि चार दिन से लिखना चार दिन फोर डेज, चलो अब तुम वैसे फोर कहाँ सीन्स कहाँ है ना तो सीन्स का प्रयोग बाबू कहाँ होता है तो अब हम तो ये पीरियड टाइम पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बोलते हैं तो वह देहाती भाषा में बता देते हैं सीन्स कहाँ लगाएंगे फोर कहाँ लगाएंगे, अब देखो बाबू जो स्टार्टिंग टाइम होगा तुम्हारा स्टार्टिंग टाइम के साथ तुम्हें क्या लगाना है बाबू सिंस लगाना है, अरे स्टार्टिंग टाइम नहीं रहेगा तुमको फोर लगाना है, तुमको बोलेंगे हम कि तुम सोमवार से पढ़ने आ रहे हो, हाँ मतलब इस कोचिंग में तुम सोमवार से पढ़ने आ रहे हो तो स्टार्टिंग पॉइंट मिला कि नहीं मिला बोलो, हम बोले तुम 2016 से हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हो स्टार्टिंग टाइम मिला कि नहीं मिला बोलो, हम बोले तू घंटे से दो घंटे से पढ़ रहे हो भाई कौन दो घंटा मालूम चल रहा है स्टार्टिंग मालूम चल रहा है, हम बोले तुम जनवरी से पढ़ रहे हो भाई कौन साल है लेकिन जनवरी वो स्टार्टिंग टाइम मिला कि नहीं मिला मुझको है कि नहीं है, तो स्टार्टिंग टाइम मिल गया तो सिंस का प्रयोग करना है, स्टार्टिंग टाइम नहीं मिलेगा फोर का प्रयोग करना है, क्लियर मतलब स्टार्टिंग टाइम मिल गया तो बाबू किसका प्रयोग करेंगे सिंस का, अरे स्टार्टिंग टाइम नहीं मिलेगा तो फोर का प्रयोग करना है, आया बात समझ में मेरे भाई बोलो जल्दी से मिस्मया जी, हाँ तो बाबू हम बोलेंगे जनवरी से पढ़ा रहा है तो सिंस की फोर, अक्टूबर से पढ़ा रहा है सिंस, तो बाबू जो पढ़ा रहा है टाइम स्टार्टिंग मिल गया उसको तो बाबू हम सिंस का प्रयोग करेंगे, नहीं मिलेगा जैसे वो चार दिनों से पढ़ा रहा है वह घंटों से मेहनत कर रहा है तो बाबू घंटों से मैंने कौन घंटा मतलब कितने कौन समय का नहीं मानो चला बाबू, लेकिन बोलेंगे वो सुबह से पढ़ रहा है तो सुबह बाबू फिक्स हुआ कि नहीं दिन का सीमा, नहीं स्टार्टिंग टाइम उसका कहाँ से है सुबह से है कि नहीं, तो बाबू जैसे तुमको स्टार्टिंग टाइम मिल गया तुमको लगाना है सीन से, स्टार्टिंग टाइम नहीं मिलेगा लगाना है फोर, खत्म चलो चलो बाबू बहुत बढ़िया जवाब जी, फोर डेज ना बाबू का चार दिन होता है ना ये सब फोर डेज बोलते हो ना डजन नहीं है बाबू एक पैसा मिल जाएगा, हो गया इसका इंट्रो नेगेटिव बना लोगे ना, अरे नेगेटिव बोलेगा तो तुम क्या करना है नोट भी हो जाएगा बिन नोट नहीं लगाएंगे नोट बिन हो जाएगा क्योंकि बाबू जो एचओडी वर्ग के जस्ट बाद नोट लगाते हैं है कि नहीं है समझे बाबू, ऐसे बाबू कुछ सेंटेंस
जो बाबू वर्ब का तरह भी काम करता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, उसे बोलते हैं बाबू कंपनसेट, कंपनसेट वर्ब कहते हैं, यानी क्षतिपूर्ति करने वाला क्रिया बोला जाता है। अब समझ में, तो यह बोले वो अपैन वर्ब की तरह काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है बिफोर के लिए, है कि नहीं? तो इसी बाबू कहते हम लोग कंपनसेट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। चलो चलो जब बना बाबू क्वेश्चन, तुम दो दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो? बना दे सुना, तुम दो दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसका स्ट्रक्चर तुम याद रखना है चीजों को, ठीक है। मैं तुम्हें 5 दिनों से देख रहा हूँ, वह गीत गाती रही है, है ना। वह दो घंटे से टहल रही है। क्या तुम जनवरी से यहाँ पढ़ रहे हो बनाओ पांच को बनाओ, पांचों को फॉलो करो। तुम दो दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें 5 दिनों से देख रहा हूँ। वो गीत गाती रही है, वो 2 घंटे से टहल रही है, क्या तुम जनवरी से यहाँ पढ़ रहे हो? इस पांचों क्वेश्चन का जवाब दो। बाबू नहीं सर, देखो तुम दो दिनों से क्या कर रहे हो बाबू? तो क्या कहेंगे बाबू? क्या होता है वर्ड होता है, क्या होता है बोलो? डब्ल्यू एच फैमिली नहीं हो गया? डब्ल्यू एच फैमिली हो गया बाबू, जो कैसे बनाएंगे हम लोग? व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर? तुम बाबू कह रहेगा यू हैव रहता है ना, हैव लिखेंगे व्हाट हैव यू बीन, वेरी गुड, बीन डूइंग हियर, आर डूइंग हियर, आर डूइंग हियर फॉर 2 डेज, 4 हो जाएगा बाबू, स्टार्टिंग टाइम नहीं है, 4 2 डेज। अब क्वेश्चन मार्क लगाए नहीं भूल जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तुम्हें 5 दिनों से देख रहा हूँ। आई हैव बीन वाचिंग यू फॉर 5 डेज। यू हैव के बाद क्या आता है इसमें? बीन आता है। यू हैव बीन सर, मैं लिखा है, अच्छा मैं है। आई हैव बीन वाचिंग यू, सिंह का प्रयोग तो करेंगे नहीं, जानते हो सिंह माने क्या होता है? मिलना होता है। तो आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर, बाबू टाइम नहीं आएगा फिर आएगा, सब कुछ बाबू लिख दिया, बस टाइम बचा हुआ है, फाइव डेज। वो गीत गाती रही है, तो बाबू कह गाती रही, मैंने देखो पहले भी गाती गाई है, एक काम खत्म हो चुका है फिर दूसरा स्टार्ट हुआ है और लगे लगे सब काम हो रहा है। बाबू कैसे बनाएंगे उसको भी? परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है।
वो दो घंटे से टहल रही है, तो वो दो घंटे से टहल रही है, क्या दो घंटा में सुबह का है कि शाम का, तुमको मालूम चल रहा है? नहीं तो पढ़ गया मालूम चल रहा है तुमको? नहीं। अब तो बोले सर जी दीवान आए, सर जी टहलना तो सुबह को ही होता है, सुबह को टहल रही, टाइम तो फिक्स हो गया इसका। कह रहा था कि अपना मैथ मैथ मत लगा ली, ठीक है ना, मैथ से काम नहीं चलेगा मेरे जी का। देखो बाबू तो सी वेरी गुड सी हैज बीन वॉकिंग वॉकिंग, हाँ ठीक है बाबू वॉकिंग फॉर टू, तो अब दो घंटे से ही है, तो मालूम नहीं है स्टार्टिंग टाइम फॉर टू आवर्स, फॉर टू आवर्स, आवर्स नहीं आवर्स बोलना है, और इसलिए आवर्स के पहले वाला आर्टिकल एंड का प्रयोग होता है, वो चार्ट में आ आता है, ठीक है ना। क्या तुम जर्मनी से यहाँ पढ़ रहे हो? कोई पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम यहाँ जर्मनी से पढ़ रहे हो? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम बाबू यहाँ पे क्या हो, तुम्हारा यहाँ पे मतलब, हाँ मतलब कोई प्रश्न तुमसे पूछ रहा है, तो क्या पहले लग जाता है? तो वो हैज या हैव या जो भी ये जोड़ी वर्ब होगा यहाँ पे उसको पहले लगाते हैं, तो बाबू हैज या है, ये है, तुम है तो हैव हो जाएगा, हैव यू, अब नेगेटिव तो बाबू नहीं है तो बीन लगा दो ना सीधे, हैव यू बीन स्टडीइंग स्टडीइंग हियर, वेरी गुड हियर, सिंस स्टार्टिंग टाइम जनवरी से पढ़ रहे हैं, तो सिंस जनवरी, सिंस बाबू जनवरी, ठीक है, ठीक है ना बाबू, चलो हो गया ये खत्म। इसका चर्चा बस मुझे याद रखना, ये परीक्षा में खूब आता है, ठीक है ना, कहा बात बीच में लिखेगा, ये पूरा हैज भी लिखा रहेगा। एक बार मैं दो दिनों से खुश हूँ, क्या बना हुआ चीज बताओ, मैं दो दिनों से खुश हूँ कैसे बनाओगे, इसमें बर्फ तो नहीं है, बनाओ छोटी को बनाओ उसको, मैं दो दिनों से बहुत खुश हूँ, मैं दो दिनों से बहुत खुश हूँ, मैं दो दिनों से बहुत खुश हूँ, इसको कैसे बनाओगे, मैं दो दिनों से बहुत खुश हूँ, मैं दो दिनों से बहुत खुश हूँ, मैं दो दिनों से बहुत खुश हूँ, तो आगे बहुत दिनों से बाबू जी दो दिनों से लिखा है ना, यस सर, तो दो दिनों का मतलब बाबू यहाँ पे क्या हो रहा है, काम कंटिन्यूस में है, दो दिन लगा है ना, दो दिन से काम चल रहा है, लेकिन आगे जाके ना बर्फ ही नहीं है, तो बाबू खुश पड़ा तो एडजेक्टिव होता है ना, तो बाबू कैसे बनाएंगे, आई सेम टू सेम बनाएंगे बाबू, आई हैव लगा बाबू हैव लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव इसका बाबू क्या लगा, बीन बीन, तो बाबू आप देखो आई हैव बीन तो लगाए, देखो यहाँ पर देखो वो दो दिनों से चल रहा है घूम रहा है, तो बाबू पी फोर लगाते भी, लेकिन ये जानते हैं खुश, खुशी तो बाबू क्या है तुम्हारा, एक तो एडजेक्टिव है ना, तो इसमें तो आईएनजी लगेगा नहीं, जिसमें वो क्रिया होता है उसमें आईएनजी लगता है, और जिसका हिंदी शब्द ना लग के आता है उसी में वो आईएनजी लगाते हैं, जैसे सोना, हंसना, रोना, जाना, खाना, पीना, है ना, ढिमकाना, मतलब इसको नहीं बोल देना, मतलब जिसमें ना आएगा वो अब दोबारा क्या हो जाएगा, या वो किसी में जो कुछ समय लगे, टाइम लगे, जिसको करने में कुछ टाइम लगता है उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रिया समझते हैं, तो बाबू खुश, खुश को बाबू हम खुश हैं अंदर से, हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो किसी को देख नहीं रहा है कि नहीं है, yes, इसलिए बाबू देखो हैप्पी तुम्हारा क्या है, एडजेक्टिव है, हैप्पीनेस क्या है, नाउन हो जाता है, तो प्रसन्नता को बाबू महसूस किया जा सकता है ना, तो हैप्पी बाबू क्या है, एडजेक्टिव है, तो बाबू देखो एडजेक्टिव है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आई हैव बीन दो दिनों से लगा है बाबू, तो हम लिख लेंगे आई हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी, बस हो गया खत्म, हमको बर्फ पर का मतलब नहीं लगना है, तो मैं बहुत खुश हूँ तो क्या बोल बनाओगे, मैं बहुत खुश हूँ इसको कैसे बनाओगे, आई एम वेरी हैप्पी, सिंपल सेंटेंस हो गया बाबू ना, बात
तो आई हैव बीन वेरी हैप्पी फोर बाबू तो देवे ना फोर टू डेज हो जाएगा इसमें आया मैं क्या है बोलू तो कभी पेपर बाबू इसे लिखाता है हैप्पी लिखाता है क्या वो हैप्पी लगा रहता है दादी खुद था कि यार ये हैप्पी हो जाएगा क्या मास्टर पढ़ाया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बी फोर आता है तो हैप्पी कर देते हैं आई एन जी लगा दो बस जो होगा देखा जाएगा है ना आई एन जी लगा दो ऐसे बस कर देना है चाहे वो गलत हो सही को मास्टर बताया है हमको स्ट्रक्चर याद है छोड़ना नहीं आई एन जी लगा के रहेंगे चाहे जो हो जाए उसके लिए पर देखो भाई वर्ब नहीं है ये तुम्हारा एडजेक्टिव है ये भी तो देखना पड़ेगा उसको तो देखो देखो कम से कम बोलो सही बात है कि नहीं है सही बात पांडे से क्या करते हो गए बाबू रन देते नहीं चलो बोल बने जवाब